दोस्तों ड्रैगन बॉल का ये पर्पल बीन एक क्लासिक अटैक रह चुका है और कई बार सीरीज में मोस्ट आइकनिक मोमेंट भी क्रिएट कर चुका है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इपिक गाली गन मोमेंट्स के बारे में। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो वजीटा का एक विलन से एक हीरो तक का सफर बहुत ही रोमांचक रहा है और इसके पूरे जर्नी में हम वजीटा के बहुत सारे अटैक्स को भी देखे हैं। लेकिन दोस्तों वजीटा का गाली गन उसका सबसे आइकॉनिक अटैक रह चुका है। गाली गन से एक पिंक कलर का बीम निकलता है जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है और साथ में डिस्ट्रक्शन भी करता है। तो दोस्तों इसके वजह से हम आपके लिए इस वीडियो में वजीटा के टॉप 10 गाली गन मोमेंट्स को लेके आए हैं। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, दो फाइटर्स को एक साथ हरा दिया था। दोस्तों टूर्नामेंट ऑफ पावर ड्रैगन बॉल सुपर का सभी वेस्ट आर्क में से एक है जिसमें हमें बहुत सारे इपिक फाइट्स देखने को मिले थे। इसमें वजीटा सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ही एक ही गाली गन के माध्यम से दो दो ओपोनेंट को हरा दिया था और वो ओपोनेंट का नाम डॉक्टर रोटा और प्रम था। यहाँ पर दोस्तों ये गाली गन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिसने दो दो ओपोनेंट को डिफीट कर दिया था यानी हरा दिया था। इसे दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि गाली गन अटैक कितना पावरफुल है। अब इस ऑनलाइन पे आता है गाली गन अगेंस्ट फ्रीजा। दोस्तों फ्रीजा और वजीटा का लड़ाई किसी न किसी तरीके से एक इमोशनल टाइप्स का फाइट था जहां वजीटा के बारे में ये पता चल गया था कि वजीटा प्रिंस ऑफ सेंस के अलावा एक सुपर सेंस भी है। अगर हम ये बैटल का देखते हैं तो इस बैटल के दौरान वजीटा फ्रीजा के खिलाफ बहुत ही एडवांस वाला गाली गन को यूज किया था और ये दिखने में भी बहुत ही खतरनाक था। भले ये इतना ज्यादा असर नहीं किया था पर दोस्तों इससे वजीटा की ताकत का अंदाजा लग गया था। अब इस वाली पे आता है एंग्रीस्ट गाली गन अगेंस्ट फ्रीजस। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ड्रैगन बॉल कैनन में वजीटा को हम एक एरोगेंट प्रिंस से एक हस्बैंड और एक पति बनते हुए देख चुके हैं यानी वजीटा का हमें अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिल चुका है। इसके साथ साथ वजीटा का अपने फैमिली के प्रति बहुत प्यार भी रहता है। पर जब वीरस ने बुलमा को थप्पड़ मारा था तब वजीटा का गुस्सा सातवें आसमान में चढ़ गया था। इसकी वजह से वजीटा अपने सुपर सैयन 2 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर वीरस के ऊपर एक पावरफुल गाली गन अटैक यूज कर दिया था। और दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक था क्योंकि दोस्तों ये अटैक वजीटा के प्योर गुस्से से निकला था। अब इसमें 7 पे आता है ब्लू कलर वाला गाली गन। दोस्तों अगर हम नोटिस करें तो ड्रैगन बॉल जीटी में हमें बहुत सारे अलग अलग चीज देखने को मिले थे जो कि दोस्तों ड्रैगन बॉल कैनन से अलग था। जैसे कि दोस्तों जीटी में हमें गोगू का लाल कलर वाला कामेहामेहा देखने को मिला था लेकिन दोस्तों कैनन में अगर हम नजर डालें तो ये अलग दिखता है। पर दोस्तों इसके अलावा ऐसे ही टाइप का चेंज वजीटा के गाली गन में भी किया गया था। जब वजीटा अपने गोल्डन ग्रेट ईव बेबी फॉर्म में था तब उसका गाली गन ब्लू कलर का था जबकि दोस्तों और चले उसका गाली गन का कलर पर्पल में होना चाहिए था। और दोस्तों ये मोमेंट भी बहुत ही ऑसम था जो कि दोस्तों हम फैंस कभी भी भूल नहीं सकते। अब इसको 6 पे आता है बीम क्लैश बिटवीन सीन्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्स। दोस्तों वजीटा और कावा का फाइट यूनिवर्स 6 सागा में सबसे यादगार फाइट था। ये फाइट वजीटा और कावा के बीच हुआ था जो कि एक अलग यूनिवर्स से वजीटा का एक स्टूडेंट था और जब उन दोनों का फाइट हुआ था तब फैंस को एक इफिक टीचर और स्टूडेंट का ड्यूल फाइट देखने को मिला था। यहाँ पर दोस्तों उसी वक्त कावा और वजीटा के बीच गाली गन का मुकाबला बहुत ही जोरदार देखने को मिला था। यहाँ पर एक तरफ से ये दोनों के बीच गाली गन का मोमेंट बहुत ही ऑसम और यादगार था। अब इस फाइट पे आता है मार्जिन वजीटा का एडवांस गाली गन। दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो वजीटा का फाइनल ब्रस्ट कैनन गाली गन से मिलता जुलता था। अगर हम नोटिस करें तो इस दौरान वजीटा का फाइनल ब्रस्ट कैनन हम देखे थे पर दोस्तों बाद में ये निकल गया था कि ये गाली गन का एक एडवांस वर्जन था और यही वो वजह है कि ये मूवमेंट इस लिस्ट में है। जब गोकू और मार्जिन वजीटा का फाइट हुआ था तब वजीटा यही सेम अटैक को यूज किया था जो कि दोस्तों येलो कलर का था। यहाँ पर दोस्तों ये फाइट ड्रैगन बॉल जी सीरीज में एक मेमोरेबल फाइट रह चुका है। अभी 4 पे आता है फ्यूचर ट्रंक्स का सुपर सैयन एंग्री गाली गन। दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर में कुछ खामियां तो जरूर थी पर इसके अलावा इस सीरीज में कुछ ऐसे पावर्स अटैक और फॉर्म्स को भी लाया गया था
जो कि शायद फैंस कभी भूल चुके थे, जैसे कि दोस्तों कायोकेन और इविल कंटेनमेंट वेव। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ गालीगन को भी वापस लाया गया था, और इस बार ये अटैक वेजिटा नहीं बल्कि दोस्तों उसका बेटा फ्यूचर ट्रंक्स यूज किया था। इतना ही नहीं, फ्यूचर ट्रंक्स अपने गुस्से से सुपर सैयन फॉर्म में ये अटैक को यूज किया था, जो कि दोस्तों एक तरफ से काबिले तारीफ था। ये अटैक वाला मोमेंट भी बहुत ही अच्छा था। अब इस वक्त 3 पे आता है तो फादर सन गालीगन। दोस्तों इस मोमेंट को इस लिस्ट में आना ही था, वरना ये लिस्ट पूरा का पूरा अधूरा रह जाता। इस मोमेंट में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वेजिटा और ट्रंक्स दोनों कंबाइन करके गालीगन का इस्तेमाल किए थे, तो आप सोच सकते हैं कि इस बार अटैक कितना ज्यादा पावरफुल हो गया होगा। यहाँ पर वेजिटा और ट्रंक्स फ्यूचर जामासू का होली वर्ड को रोकने के लिए ही कंबाइन गालीगन यूज किए थे। अब दोस्तों हमें तो गोकू और गोहन का कंबाइन कामेहामेहा देखने को मिला था, पर दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर में हमें गालीगन का कंबाइन अटैक देखने को मिला था, और दोस्तों ये चीज देखने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है। अब इस टू पे आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कामेहामेहा, गालीगन और फाइनल फ्लैश। दोस्तों आपको तो हम नंबर 3 में गालीगन का कॉम्बिनेशन दिखा चुके हैं, पर दोस्तों इस बार और भी खतरनाक कॉम्बिनेशन हम आपके लिए इस लिस्ट में लेके आए हैं। मर जामासू को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये कॉम्बिनेशन, यानी दोस्तों कामेहामेहा, गालीगन और फाइनल फ्लैश का कॉम्बिनेशन को गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स के द्वारा यूज किया गया था। यहाँ पर भले ये कॉम्बिनेशन मर जामासू के ऊपर उतना असर नहीं किया था, पर दोस्तों यहाँ पर कामेहामेहा, फाइनल फ्लैश और गालीगन का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इपिक मोमेंट क्रिएट कर दिया था। फाइनली दोस्तों भी नंबर 1 पे आता है द आइकॉनिक बीम क्लैश अगेंस्ट गोकू। दोस्तों अगर हम नोटिस करें तो वेजिटा का ये गालीगन वाला मोमेंट अब तक का सबसे इपिक अटैक रहा है, और इसके वजह से ये मोमेंट नंबर 1 पे है। जब गोकू का कामेहामेहा के खिलाफ हमें काली गन को देखने को मिला था, उसी दौरान हम फर्स्ट टाइम काली गन को देखे थे। दोनों ही सेंस अपना बेस्ट देना चाहते थे। ये मोमेंट में काली गन का पावर इतना था कि गोकू का बेस कामेहामेहा भी इसके सामने काम नहीं आ रहा था। फिर जाके गोकू को अपना कायोकेन एक्सपोर यूज करना पड़ा था, क्योंकि वो ओपोनेंट का सामना कर सके। ओवरऑल ये काली गन का फर्स्ट टाइम था, पर दोस्तों बहुत ज्यादा पावरफुल था। हमारा तो ये मानना है कि इसको नंबर 1 पे आना चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और आपके एंगल से कौन सा फर्स्ट होना चाहिए वो भी जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों यही था वेजिटा का टॉप 10 बेस्ट काली गन मोमेंट्स के बारे में। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हम वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।